T20 वर्ल्ड कप 2024 की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी किस टीम की है? क्योंकि ओपनर्स ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी टीम मुकाबला जीतने वाली है या नहीं जीतने वाली है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं 2021 T20 वर्ल्ड कप, 2022 T20 वर्ल्ड कप इंडिया क्यों नहीं जीती? क्योंकि ओपनर्स ने बेड़ा कर किया। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा और केएल राहुल 6 मेडन ओवर्स खेल के चले गए और मात्र 6 की इकोनॉमी से रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की टीम 2022 T20 वर्ल्ड कप इसलिए जीत के चली गई क्योंकि उनके ओपनर जोस बटलर और एलेक्स एल्स ने धमाल मचा दिया। तो इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भी जो ओपनिंग पेयर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गेम का पेस टोन वही ओपनिंग पेयर सेट करता है। अगर ओपनिंग पेयर 50 से 60 रन लगा देता है ना पावर प्ले में, उसके बाद में जो आने वाले बल्लेबाज है ना, उनका काम आसान हो जाता है। सरप्राइजिंगली जो नंबर वन पे जो पोजीशन पे टीम है ना यार, विश्वास आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, भाई यार नंबर वन पे कैसे हो सकती है ये टीम? क्योंकि दूसरे नंबर पे जो टीम आ रही है ना, वो ना तो ऑस्ट्रेलिया आ रही है ना न्यूजीलैंड आ रही है, दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड की टीम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये भी तीसरे चौथे नंबर पे खड़ी है। तो पूरा बताऊंगा कि कौन सी ओपनिंग कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे नीचे ही नीचे 7वें नंबर पर, केवल मैं 7 ही टीमों की बात करने वाला हूँ क्योंकि इस बार की T20 वर्ल्ड कप में तो लगभग 20 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, परंतु मैंने टॉप 7 टीमें उठाई है जो इस बार वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तो 7वें नंबर पर जो टीम आती है ना, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ओपन करने वाले हैं। क्विंटन डिकॉक की अगर T20 इंटरनेशनल में 2024 के अंदर स्पेशली स्ट्राइक रेट देखी जाए T20 के अंदर, तो 128 की स्ट्राइक रेट है। वहीं रीजा हेंड्रिक्स की 2024 में T20 में 123 की स्ट्राइक रेट है, और इन दोनों की स्ट्राइक रेट को अगर मर्ज करें, कंबाइन करते हैं ना, तो 125.5 की स्ट्राइक रेट बनती है। अगर इस स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाज खेलते हैं ना, तो पावर प्ले में औसतन 45 रन बनाने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान की टीम। बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ओपन करने वाले हैं। बाबर आजम की 2024 में T20 में स्ट्राइक रेट 140 की है, तो मोहम्मद रिजवान की स्ट्राइक रेट 129 की है 2024 में। क्योंकि ये जो मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ ना, अभी रिसेंट फॉर्म T20 में किस तरीके से लगा हुआ है, 2024 में स्पेशली T20 में कितनी स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज ने मैनेज रखी है ना, उसी पे मैं दोस्तों डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाबर आजम की 140 की स्ट्राइक रेट है, मोहम्मद रिजवान की 129 की स्ट्राइक रेट है, और कंबाइंड जो स्ट्राइक रेट है 134.5 की स्ट्राइक रेट है। अगर इस स्ट्राइक रेट से ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं, तो 6 ओवर की पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम औसतन 48 रन बनाने वाली है। इसके बाद में नंबर 3 पे वेस्ट इंडीज की टीम आती है। इनके लिए काइली मायर्स और ब्रेंडन किंग्स ओपन करने वाले हैं। कायली मायर्स की अगर 2024 की स्ट्राइक रेट की बात करें ना, तो 157 की स्ट्राइक रेट है। वहीं ब्रेंडन किंग्स की स्ट्राइक रेट की बात करें तो मात्र 126 की स्ट्राइक रेट है, और दोनों की जो कंबाइन स्ट्राइक रेट है ना, 141.5 है। अगर इस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करती है वेस्ट इंडीज की टीम, तो पावर प्ले के अंदर 51 रन औसतन हर मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप 2024 में बनाने वाली है। चौथे नंबर पर थोड़ा सा मैं ये बात कर सकता हूँ कि एक तरीके से मुकाबला टाई होता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड ओपन करने वाले हैं। डेविड वॉर्नर की T20 इंटरनेशनल में IPL शुरू होने से पहले एक T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने खेली थी, वहाँ पे विस्फोटिक पारियाँ डेविड वॉर्नर की आई थी। तो 165 की स्ट्राइक रेट है डेविड वॉर्नर की T20 इंटरनेशनल में 2024 में। IPL के परफॉर्मेंस को भूल जाइए, क्योंकि वॉर्नर जब देश के लिए खेलते हैं ना, वो एक अलग ही खिलाड़ी नजर आते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड जो इंडिया के लिए सिरदर्द बने हुए, उसकी स्ट्राइक रेट 152 की स्ट्राइक रेट है, और दोनों की अगर कंबाइन स्ट्राइक रेट की बात करूंगा ना, तो 158.5 की स्ट्राइक रेट है। अगर इस स्ट्राइक रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करेगी ना, तो पावर प्ले में औसतन 57 रन बनाने वाली है। इसके बाद में न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन और डेविन कॉनवे ओपन करने वाले हैं। फिन एलन की स्पेशली बात करें तो 188 की स्ट्राइक रेट है, और डेविन कॉनवे की 128 की स्ट्राइक रेट है 2024 में T20 के अंदर, और दोनों की जो कंबाइन स्ट्राइक रेट निकल के आ रही है 158 की स्ट्राइक रेट निकल के आ रही है। अगर इस 158 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, तो औसतन पावर प्ले में 57 रन ये न्यूजीलैंड की टीम भी बनाने वाली है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड औसतन 57 रन पावर प्ले में बनाएगी। तो दूसरी तरफ अब दूसरे नंबर पे जो टीम आ रही है ना, वो है इंग्लैंड की टीम। जोस बटलर और फिल सार्ट ओपन करने वाले हैं इनके लिए। जोस बटलर की T20 में स्ट्राइक रेट 145 की है, तो फिल सार्ट की 178 की स्ट्राइक रेट है भाई T20 के अंदर 2024 में। अगर कंबाइन स्ट्राइक रेट की बात की जाए जोस बटलर और फिल साल्ट की, तो इन दोनों की 161.5 की स्ट्राइक रेट निकल के आ रही है। अगर इस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, तो औसतन T20 वर्ल्ड कप 2024 में
58 रन पावर प्ले में बनाने वाले, और नंबर वन पर हमारी इंडिया है। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार डेविड वॉर्नर ट्रेविस हेड की जोड़ी सबसे खतरनाक है, जोस बटलर फिल साल की जोड़ी सबसे खतरनाक है, परंतु भाइयों इंडिया पे भरोसा रखो। जरूर हमने 2021 और 2022 में हमारे ओपनर्स ने नैया डुबाई है, इस बार उम्मीद करके चल रहे हैं कि रोहित शर्मा और जयसवाल हमारी नैया पार लगा के रहेंगे और पावर प्ले में ही तोड़फोड़ कर देंगे। रोहित शर्मा की 2024 में T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, जो अफगानिस्तान सीरीज भी खेली है, और रिसेंट टाइम में जो T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट रही है 168 की स्ट्राइक रेट रही है। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल की 180 की स्ट्राइक रेट है 2024 में T20 इंटरनेशनल में, और इन दोनों की कंबाइन स्ट्राइक रेट 176 की निकल के आ रही है। अगर इस स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करते हैं ना, तो पावर प्ले में 62 रन बनाने वाले हैं। तो सबसे जो खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है ना, अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए 2024 के अंदर, तो इंडिया की है। बस यही उम्मीद करके चलनी होगी, क्योंकि इंडिया के जो खिलाड़ी है ना वर्ल्ड कप में जाके प्रेशर ले लेते हैं। जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो बायोलेट्रिकल सीरीज में खेलते हैं ना, उस स्ट्राइक रेट के साथ वो वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाते। तो यही सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। नहीं, अगर बायोलेट्रिकल सीरीज में जिस स्ट्राइक रेट के साथ रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर T20 वर्ल्ड कप में वैसी बल्लेबाजी करके चले गए, तो इंडिया का एक कप अपने नाम होने वाला है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली है। जरूर विल जेक्स की तो ओपन नहीं करेंगे इंग्लैंड के लिए, पर फिर साल जोस बटलर की ओपनिंग कॉम्बिनेशन डराता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड डेविड वॉर्नर का ओपनिंग कॉम्बिनेशन डराता है, पर स्ट्राइक रेट के मामले में टीम इंडिया सबसे ऊपर है। अगला जो वीडियो लेके आऊंगा बॉलिंग लाइनअप लेके आऊंगा कि किसकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप सबसे मजबूत है।